तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे थे, हम लोगों का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज में हम लोग देख रहे थे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2021 और 22 लेटेस्ट वाला, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन देख लिया है ना, और ये हमारा पार्ट टू है। देखिए, दो पार्ट में बनाने का रीज़न है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडेक्स है ना, इसमें बहुत सारे इंडेक्स है और उनको एक साथ करवाना है ना, हौचपौच थोड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं सोचा कि दो पार्ट में करवा ताकि आपके लिए भी आसान हो। तो देखिए, यहाँ तक मैंने करवा दिया और लगभग दो पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो। और इससे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बता दूं, एसपीडी का जितना भी सूचकांक है वो सारा खत्म हो जाएगा। मतलब लगभग मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट का सारा, मतलब कि 95% सारे खत्म, और एक दो जो अपवाद है जो मतलब उतना कुछ खास नहीं है ना, वो नहीं, बाकी सब आपका मैंने करवा दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट करवा देना, इंपॉर्टेंट करवा देना, लेकिन मैंने सारे करवाने की कोशिश की। क्या गारंटी है कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट नहीं जान रहे, किस्मत खराब रहेगा तो पता चला दो छोड़ के गए वही आ गया है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं पूरा अच्छे ढंग से सभी को लगभग करवा देता, क्योंकि देखिए सब इंपॉर्टेंट है। आजकल के जान रहे ट्रेंड कैसा चल रहा है एग्जाम का, कुछ भी दम उठा कर पूछ देता है ना। तो चलिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करें है ना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप लोग शेयर करोगे तो क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि चलो हम लोग जो ट्रिक इतने मेहनत से बना रहे हैं ना, रात रात में जग जग करके हमको ट्रिक बनाना पड़ता है, दिन में समय नहीं मिल पाता। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम भी मोटिवेट हो, लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो हमको बनाने में उतना उत्साह आएगा। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, तो आगे हम लोग वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, भारत की रैंक ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, और ये एसपीडी का नया वाला बुक है। अब आपको पहले एक चीज़ बता दो कि इसको याद करना, आप एसपीडी का है ना ये बुक को आप सामने ले लेना है, और मेरी ट्रिक वाली जो है ना इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और बगल में रखिएगा, ठीक है, और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे ढंग से, फिर आप खुद उसको बंद कर दीजिएगा, मेरा ट्रिक को एक बार पढ़ लीजिएगा और ये मिला लीजिएगा कैसे कैसे जैसे मैंने बताया, और उसके बाद आप लोग अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा सब बन, और एक दो बार पढ़ लीजिएगा आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए नंबर पर ट्रिक बनाना बहुत मुश्किल होता है ना, तो आप लोग एक दो बार, और मैं कोशिश किया कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए इधर देखिए, रैंक है भारत की कितने नंबर पे रैंक है, और ये इंडेक्स है हाँ, और इसका इधर ट्रिक है। और देखिए ये वीडियो का मेरा खास बात है कि मैंने ट्रिक भी आपको लिखवा रखा है, ऐसा नहीं कि ट्रिक को मैं लिखवाया ना, बहुत और ऐसा बहुत कम ही वीडियो का वीडियो ही नहीं होता है कि कोई ट्रिक लिखवाया पूरा कहानी। तो इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत रात रात भर हमको ट्रिक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, 10 भारत की है ना, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक है ना, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 10। और भी क्या, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भी भारत की रैंक कितनी है, 10 है ना। तो दो रैंक मिला है भारत को, 10-10 किसी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो दोनों का ट्रिक एक साथ कैसे बनाएंगे, देखिए बात करते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं ना, अभी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अभी जैसे कि पहले साइबर 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 मतलब कैफे वगैरह में जाते थे तो वो लोग पहले क्या यूज करते थे, विंडो 7 यूज करते थे, फिर विंडो 8 आया है ना, इस तरह करके नया ना, पहले विंडो XP चलता था। तो अभी जो विंडो अभी कैसा ट्रेंड चल रहा है, विंडोज 10 चल रहा है ना, कंप्यूटर में कैसा चलता है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका चलता है, विंडोज 10। तो साइबर में क्या चल रहा है, विंडोज 10, तो साइबर में विंडोज 10 चल रहा, तो साइबर से हो गया वैश्विक साइबर सुरक्षा है ना, और कितने रैंक पर, 10 विंडोज 10 से 10। अब बात करते हैं देखिए इसका, भारत में 10 तरह के जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। अरे भारत है ना, भारत विविधताओं का देश है, नॉर्थ ईस्ट चल जाइए तो अलग जलवायु है, मुंबई चले जाइए तो अलग जलवायु देखने को मिलता है, रांची चले जाइए तो अलग जलवायु देखने को, ई रूम में आ जाइए हमारे रूम में आ जाइए तो अलग ही जलवायु देखने को आपको मिलेगा, माहौल गर्म रहेगा हमेशा है ना। तो भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग तरह के जलवायु, 10 तरह के जलवायु आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इससे जलवायु परिवर्तन से क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, कितने तरह के, 10 से। तो भारत का रैंक कितना है, 10 है। कैसा लगा ट्रिक, अगर अच्छा लगा ट्रिक तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं 82 है ना, 82 रैंक क्या है भारत की, वैश्विक रिश्वत जोखिम में भारत की रैंक 82। और देखिए तीनों को एक साथ करेंगे, 82 83 और 85 रट लीजिएगा आराम से, 82 में वैश्विक रिश्वत जोखिम है ना, फिर 83 आते हैं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 83 है, और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 85। अब ये तीनों को एक साथ कैसे देखिए को रिलेट करके याद करेंगे, अब देखिए 4-5 बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको नंबर याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा है ना। तो देखिए भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर देश में कमाने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बेचारे लोग जो गरीब होते हैं तो वो सऊदी वगैरह ये सब हो गया ना, वो लोग कमाने जाते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छे
ढंग से चला पाए, है ना, पैसे कमा कर अच्छे से ढंग से चला पाए। तो लगभग 100 में से गरीब देश में, गरीब गरीब गांव में क्या होता है, 100 में से अधिकतर लोग बाहर चले जाते हैं ना। अब बाहर लोग जाते हैं तो उनको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो उनको दलाल से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और दलाल उनको फंसा लेता है। देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, है ना। देखिए 42 लोगों से रिश्वत लिया। मान लीजिए एक आदमी है, जैसे एक दलाल आदमी, वो बोला ना कि हम तुमको विदेश भेजेंगे, है ना, पासपोर्ट वासपोर्ट सब बना के विदेश भेजेंगे। उसने क्या किया, 82 लोगों से बाहर ले जाने के नाम पर 82 लोगों से क्या किया, 82 नन्हे मुन्ने लोगों से रिश्वत लिया, है ना, और 83 लोगों का पासपोर्ट बनाया। कितने लोगों का, 83 लोगों का वो पासपोर्ट बना दिया दलाल, है ना, जिससे 85 लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए, जिसके कारण 85 लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए, है ना। तो आपको ये नहीं देखना है कि 82 लोग था, 85 कैसे हो गया, ये ट्रिक था, है ना। तो 82 लोगों से किसने, दलाल ने क्या क्या रिश्वत लिया, तो 82वां हो गया वैश्विक रिश्वत जोखिम, है ना, और 83 लोगों का पासवर्ड बनाया। 83 लोगों मतलब एक लोग बढ़ गया ना, मतलब वो अपना भी पासवर्ड बना लिया, सोचिए कितना तेज है, उसी लोग का पैसा से अपना भी बना लेता। 83 लोगों का पासवर्ड बनाया, तो हेनले पासवर्ड इंडेक्स कितना है, 83 नंबर में, और 85 लोग भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए, मतलब 2 लोग और उसके साथ एक्स्ट्रा जा रहे थे, है ना, तो 83 लोग टोटल हो गए, सॉरी 85 लोग हो गए, है ना, तो 85 लोग क्या भ्रष्टाचार में पकड़े गए और उनको जेल हो गया, उनको क्या हो गया, जेल हो गया। तो 85 लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए, तो 85 से क्या हो गया, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, है ना। 82 लोग से रिश्वत लिया, नन्हे मुन्ने भोले भाव से रिश्वत लिया, तो रिश्वत वैश्विक रिश्वत जोखिम में 82 हो गया, और 83 लोगों का पासवर्ड बनाया, 83 से क्या हो गया, हेनले पासवर्ड हो गया ना, और 85 लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 85। तो याद रखिए 82 83 85, ठीक है। अब बात करते हैं ये लोग जा है ना, अब भ्रष्टाचार में पकड़े गए, ठीक है। अब बात करते हैं 18 नंबर में ग्लोबल ड्रग इंडेक्स, ग्लोबल ड्रग इंडेक्स का रैंक भारत की कितनी है, 18वीं रैंक है। तो देखिए अब इसको कैसे याद करते हैं, तो पुलिस जो है ना, पुलिस को क्या करेगा, जैसे एयरपोर्ट पर जाता है तो पुलिस, है ना, पुलिस बैग वगैरह को चेक करता था कि देखा अरे यार तो ड्रग निकला, और ड्रग देखा, ड्रग का जब वजन किया तो कितना किलो का ड्रग निकला, 18 किलो का ड्रग निकला, है ना, किलो का 18 किलो का ड्रग निकला। तो इसका ट्रिक ऐसे याद करते हैं, 18 केजी का ड्रग को किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, तो 18 केजी का ड्रग में पुलिस ने पकड़ा, तो ड्रग से क्या हो गया, ग्लोबल ड्रग इंडेक्स, और है ना, ग्लोबल ड्रग इंडेक्स, है ना, किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, 18 केजी, कितना केजी का, 18 केजी का ड्रग से ग्लोबल ड्रग इंडेक्स, और कितना रैंक है, 18वीं रैंक है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर में, है ना, अब बात करते हैं अगला, देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक 2 है, सेकेंड है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये भारत है ना, हमारा जो भारत में बहुत सारे स्टेट है, 28 राज्य है, है ना, तो भारत के विनिर्माण में, मतलब भारत के निर्माण में दो हाथ, दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर केंद्र में बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी, है ना, भारत के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है, और स्टेट में बात करें तो सीएम के पास पावर होता है कि वो अपने राज्य को निर्माण अच्छे ढंग से करे। केंद्र में पीएम और स्टेट में बात करेंगे, राज्य में तो कौन करते हैं आपका, सीएम। तो पीएम और सीएम कितने लोग हैं, 2 लोग, और 2 लोगों का, है ना, भारत के निर्माण में मिल करके बहुत बड़ा हाथ है। तो बस इससे याद हो गया, वैश्विक विनिर्माण, निर्माण से वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में, है ना, कितने लोग, 2 लोगों का हाथ है, कौन कौन, पीएम और सीएम। तो नंबर 2 में हो गया वैश्विक विनिर्माण, निर्माण से विनिर्माण जोखिम सूचकांक कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, है ना, पीएम सीएम आपको ट्रिक बता दी, है ना, है ना, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं वैश्विक विनिर्माण का जोखिम उठाते हैं, याद रखिएगा जोखिम उठाते हैं, 2 लोग पीएम और सीएम, है ना, भारत के निर्माण में जोखिम उठाते हैं, ठीक है, ये इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं 71वां नंबर में क्या है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, भारत की रैंक कितनी है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, खाद्य मतलब जो खेतों में उड़ेलते हैं, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 71 है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे, है ना। और देखिए यहाँ पे दोनों का एक साथ है, और 66 में क्या है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 66 है, और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत की 71वीं है। दोनों को एक साथ को रिलेट करके हम लोग कैसे याद करेंगे, अब देखिए क्या हो गया ना, अभी का जमाना जो हो गया ना, फर्टिलाइजर खाद का ज्यादा यूज करते हैं लोग, ज्यादा उत्पादन उत्पादन को उगाने के लिए खाद का ज्यादा यूज करते हैं, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा बोरा यूज करते हैं, 70 बोरा 72 बोरा, तो मान लेते हैं
कि एक किसान था उपज को बढ़ाने के लिए तो कितना बुरा खाद मंगाया, 71 बुरा खाद मंगा लिया है ना, ताकि उसका उपज ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा बेचार ढेर सारा पैसा कमाए है ना। तो वो क्या किया, 71 बुरा खाद मंगाया और अपने खेतों में जा कर के छिड़क दिया। कितना बुरा, 71 बुरा खाद मंगाया, जिससे जो उपज हुआ और उस उपज को खा कर 66 लोग ही स्वस्थ बच पाए। कितने लोग बच पाए, 66 लोग ही स्वस्थ बच पाए है ना, और बाकी लोग टपक गए। तो एक किसान पागल था, कितना बुरा, 71 बुरा खाद मंगवाया अपने खेत के लिए। तो खाद से वैश्विक खाद सुरक्षा सूचकांक कितना बुरा, 71 से तो 71 नंबर में है। और उस खाद से जो उपज हुआ, उस उपज को खाकर कितने लोग स्वस्थ बच पाए, 66 लोग ही बच पाए। कितने लोग, 66 लोग ही बच पाए, बाकी सब टपक गए। तो 66 लोग ही स्वस्थ बच पाए। तो स्वस्थ से क्या निकलेगा, वैश्विक स्वस्थ सूचकांक, और 66 लोग से तो 66वीं रैंक है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक की। ठीक है, ये आपका ट्रिक रहा। अब बात करते हैं 121 है ना, 121 किसका भारत की रैंक में क्या आता है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी, 121 है, जिसका कैसे ट्रिक याद करेंगे। देखिए, भारत में बहुत सारे अमीर लोग हैं, लेकिन एक दो गिने चुने ऐसे अमीर है ना जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, मतलब पूरा पैसा रखने के लिए पूरा स्वतंत्र, दम भर दम ले जा बटोर के, दम ले जा पूरा पैसा रखने के लिए स्वतंत्र, मतलब आर्थिक रूप से पूरा स्वतंत्र, उनके ऊपर कोई सरकार कुछ नहीं कर रहा है, है ना। कौन कौन हो सकते हैं, जैसे वो लोग हो गए अंबानी हो गया, अडानी हो गया, पूरा देश का पैसा एकदम यही लोग के पास है, और यही एक दो लोग गिना चुना लोग है ना, और इन लोग के पास पूरा देश का पैसा है। जियो का पैसा तो अंबानी के पास इतना है कि मत पूछे, गरीब में बांट दे, लेकिन बांटे करें तो ये लोग पूरा स्वतंत्र आर्थिक रूप से पूरा पैसा देश का बटोर रहे, इनके ऊपर कोई ना केल नहीं कस रहा है। तो इस तरह याद कर, कितने लोग हैं, एक दो एक ही लोग है ना, गिने चुने लोग ही तो हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र। तो एक दो एक से क्या हो गया, 21वां नंबर। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र था, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ना। और बाकी बचे दो लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। और लास्ट सबसे आता है 142वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस स्वतंत्रता मतलब हमारे जो प्रेस रिपोर्टर वाले भैया हैं, जो जिसको पैसा देगा वो उसी के बारे में बोलेगा, हम स्टूडेंट होकर उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। तो सबसे लास्ट 65 नंबर पे आता है, याद रखिएगा, 142वां नंबर पे आता है प्रेस वाला, सबसे लास्ट 65 नंबर पे आता है ना, मतलब बिकाऊ होता है, बिकाऊ मीडिया सुने है ना, जो पैसा देगा उसी के बारे में बोलेगा, कभी किसी का रियल आवाज़ को लोग नहीं उठाते हैं। तो 142वां रैंक पे विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 142 है। और बात करते हैं ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में भारत की रैंक कितना है, 140 है, है ना। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा, अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और इसका पीडीएफ होगा ना, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, पीडीएफ आपका यही है। एक बार इस पीडीएफ बुक को निकालिए, मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले कहानी के तरह एक बार दो बार पढ़ ले, आपका दिमाग में एकदम छप जाएगा है ना। देखिए ये नंबर वाला, अगर आप ऐसे याद करने बैठे हो तो ज़िंदगी में नहीं याद होगा, उसको रिलेट करके याद करना ही पड़ेगा। और ये ट्रिक जो आपको बताया, एक दो बार थोड़ा सा खाली देख लेना, बस आपको गारंटी है याद हो जाएगा। अरे बहुत लोगों को ऐसे वीडियो के बाद ही याद हो गया होगा। तो चलिए, और हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है आप लोगों को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके, और आप लोगों के लिए इससे अच्छी अच्छी ट्रिक ला सके, और इस पीडी के टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कंटिन्यू रख सके। तो चलिए, धन्यवाद।